प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को आवास योजना ग्रामीण के तहत उत्तर प्रदेश के 6.1 लाख लोगों को 2691 करोड़ रुपए की मदद राशि देंगे। ये पूरा कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दोपहर 12 बजे होगा। इसमें 5.30 लाख लोगों को पहली किश्त जबकि 80,000 लोगों को दूसरी किश्त जारी की जाएगी। इस कार्यक्रम के तहत पीएम मोदी चित्रकूट जिले के खोहो गांव निवासी राजकुमारी पत्नी कल्लू रैदास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत भी करेंगे। पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन हाई अलर्ट पर है। खुश है? खुश है। तो क्या पूछेंगे, तो क्या जवाब दोगे, क्या क्या आपको मिला है, क्या क्या नहीं मिला? मिला है आवास, मिली है शौचालय, मिली है लड़कन को गल्ला मिला है और पाट मिला है, गल्ला भी हमको मिलता है 20 किलो। तो आप कहेंगे क्या कहेंगी? सरकार को कहेंगे कि सरकार। सदर एसडीएम राम प्रकाश ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 5044 लाभार्थियों को प्रथम किस्त निर्गत की जाएगी, जिसमें 1,20,000 रुपए आवास का तथा 18,000 रुपए मनरेगा से प्रत्येक लाभार्थी को दिया जाएगा। जिला अधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण के लाभार्थियों को राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, बिजली कनेक्शन, शौचालय, आंगनबाड़ी केंद्रों से बच्चों को पोषाहार, मनरेगा में कार्य, किसान सम्मान निधि, गैस कनेक्शन आदि विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। निवासी खो से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात करेंगे और इनको कौन कौन सी शासकीय सहायताएं प्राप्त हो चुकी हैं उनके बारे में इनसे जानकारी प्राप्त करेंगे। इनके पारिवारिक जीवन के संबंध में बात करेंगे। इनके द्वारा जो भविष्य की इनकी योजनाएं हैं उनके बारे में बातचीत करेंगे। सामान्यतः जो एक सामान्य नागरिक को जो शासन की योजनाएं चल रही हैं उनकी उनके बारे में इनके परिवार को संतृप्त किया जा चुका है। इनके नाम जमीन है, जमीन में जो इनका पिछले ओलावृष्टि में नुकसान हुआ था उसका पैसा इनके खाते में भेजा जा चुका है। सरकार का लक्ष्य है कि 2022 तक सबके पास अपना घर हो। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण केंद्र सरकार की फ्लैगशिप स्कीम है। 20 नवंबर 2016 को इसे शुरू किया गया था। इसके तहत देश में अब तक 1.26 करोड़ घर बनाए जा चुके हैं। इस योजना के तहत दायरे में आने वाले मैदानी इलाकों के लोगों को घर बनाने के लिए 1.20 लाख रुपए, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों, उत्तर पूर्वी राज्यों, जम्मू कश्मीर और लद्दाख जैसे इलाकों के लोगों को 1,30,000 रुपए दिए जाते हैं। चित्रकूट से वीरेंद्र शुक्ला की रिपोर्ट।